ये जो कर निर्मूलन का जो बड़ा भ्रष्टाचार आज भिवंडी में जो हुआ है, मतलब आज बहुत साल से ये दबा हुआ था, वो हमने स्टडी करके पूरा अभी बाहर निकाला है, कल पत्र व्यवहार किया, इसके बाद आपका काम है इसको थोड़ा सा और निकाल के वो सब लोगों को लोगों तक जाए। हमारे हमारी ये इच्छा है लोगों तक जाए, उसका काम हुए। ये ऐसा नहीं होएगा तो हम हमारे हिसाब से आंदोलन करेंगे, शिवसेना स्टाइल से आंदोलन करेंगे, उधर उपोषण करेंगे, लेकिन ये कमिश्नर उप कमिश्नर ये मान नहीं रहे हैं, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारे कुछ नहीं। हमारे बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया है 80% तुम समाजकारण करो, 20% राजकारण करो, वो उद्देश्य हम लोग चल रहे हैं और उसको हम लोग मुँह तोड़ो जवाब देंगे, जो रहेगा हम सामने सब उसका यूज करके हम दिखाएंगे क्या करना है। वो शिवसेना के वती से शिवप्रम प्रसाद भाई पाटिल ने अभी आपके सामने रखा है, उसमें जो कुछ मालमत्ता है, जो मालमत्ता क्रमांक है, घर नंबर है, वो घर नंबर उसकी अमाउंट टोटल की टोटल गायब कर दी है और ये आंकड़ा करीबन 5 करोड़ के लगभग जा सकता है। और उसके बाद कोई मालमत्ता ऐसी है उसमें से उसकी जो रकम है, समझो 22 लाख रुपए है 4 साल पहले, तो उसकी ये साल खाली 25 हज़ार 38 हज़ार ऐसी रकम दिखाई गई है, यानी कि 21 लाख उसमें भरा है क्या? वो कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ये सब आंकड़ा जो है अभी जो मैं आपको दिया है, ये आंकड़ा भी करीबन 5-5.5 करोड़ के इसमें गया है, तो टोटल 10.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये घोटाले की हम लोग पूरा लेटर लेके कल ईडी में गए थे, ईडी वालों ने उसके सब लेटर ले लिए, उसके बाद थाने क्राइम ब्रांच, थाने एंटी करप्शन ब्यूरो और महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो में भी तकरार दाखिल किए है, इधर क्राइम ब्रांच में दिया है, डीसीपी को दिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और अभी भिवंडी में ये घोटाला होने की वजह से जो नागरिक सुविधा है कुछ कुछ काम नहीं हो रहा, विकास काम नहीं हो रहा है। ये ऐसा घोटाला करके से ये घोटाला करीबन 500 करोड़ रुपये हो सकता है, क्योंकि ये 15-20 साल अगर पीछे आप जाएंगे तो ये घोटाला सामने दिखाया जाएगा। ये घोटाला कैसे किया जाता है, हर 1-1.5 साल के बाद ना सॉफ्टवेयर चेंज किया जाता है। सॉफ्टवेयर चेंज किया इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर अलग हो गया तो ताबड़तोड़ उसमें से रकम उड़ा दी जाती है। ये एक टोली काम कर रही है और वो टोली को अंदर डालना बहुत जरूरी है, इसमें आजी माजी जितने भी ऑफिसर्स है वो सब शामिल है, उसमें उपायुक्त भी शामिल है, आयुक्त भी शामिल है, सबको पैसा मिलता है। किसी का 36 लाख रुपये उड़ाने का है तो उसके पास से 15-20 लाख भी लिया होगा, ये सीधा सीधा हिसाब है। अभी जो आंकड़ेदारी सब उनके पास से ही मिली हुई है और इतना बड़ा घोटाला सामने है, पत्रकार की जिम्मेदारी है कि आप घोटालों को और उसमें से घुस के ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल। 10 करोड़ ये अभी 4 साल के अंदर का है, 4 साल का जो मैं अभी चेक किया मेरे को खाली इतना दिखाई दिया जो मेरे नजर में, इससे कितना आगे होएगा और ये कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज होता है ना तो उस वक्त वो घोटाला बढ़ता है और अभी का 3-4 बार सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। उपायुक्त आयुक्त आयुक्त उपायुक्त कर्म मूल्यांकन अधिकारी जो जो आज तक रह चुके हैं सबका इसमें हाथ है। इसमें लिपिक फंस सकता है क्योंकि जो ऑफिसर रहता है उसको अगर बोला उसने बोला कि भाई चेंज कर तो बेचारा वो चेंज करेगा, उसका नाइलाज है, लेकिन वो ऑफिसर जो मेन है वो मेन है। अभी आपने एक आयुक्त का नाम लिया तो उसने किस तरीके का भ्रष्टाचार किया, उसका नाम क्या, कौन सा? हाँ, अभी जो मैं नाम ने फैसल दाखिली, क्योंकि ये जो 815 घर नंबर है वो जो मैटर है वो दबाने के लिए मेरे पास कुछ लोगों को भेजा उसने कि भाई कुछ रफा दफा करो, मैं उसका कुछ सुना नहीं। और उसने बाद में उपायुक्त को कुछ पैसा दिया होगा, क्योंकि मैं यूनियन चलाता हूँ, मेरे पास अधिकारी कर्मचारी है, मेरे पास सीधा आके बोलते हैं, लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं रहता क्योंकि वो बोल देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फैसल दादली बोलते मेरे पास वो पीसी पड़ा है क्या करने का कर लिया, ऐसा बिंदास बोलता है। ये बातें कमिश्नर को मालूम है, उपायुक्त को, जिंजाट को मालूम है, मसाल को मालूम है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। अभी हम लोग 2 दिन पहले भी गए थे, वो बोलते कैसा मैं गुनाह दाखिल करूँ। इसमें ऐसी चीज़ है कि अगर मैं वो कंप्यूटर खोलता हूँ, मेरे पास पासवर्ड है, तो मेरी वहाँ एंट्री हो जाती है। अगर उस टाइम तुम देखा जाए तो वहाँ एंट्री देखेगा जिसने किया है, तब तो गुनाह दाखिल हो सकता है। उसके लिए प्रूफ की जरूरत क्या है? प्रूफ तुम्हारे पास ही है, लेकिन हाँ आयुक्त उपायुक्त उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो गुनाह दाखिल हो जाता है। देखा जाता है ये कि भिवंडी शहर में कॉर्पोरेशन में चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, उनको सस्पेंड करने के बाद में एक डोर से सस्पेंड करके दूसरे डोर से लोग ले लेते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिक्स आता है, प्रेशर डालता है, ले लेते हैं। किसी भी आज तक आपने एसीबी में जिसको भी पकड़ा है कोई प्रूफ नहीं हुआ है,
जिसको सस्पेंड किया है वो क्लीन बाहर आता है, किसी को किसी के ऊपर कुछ ये नहीं होता है, ये सब भ्रष्टाचार ही है। तो इसके भी खिलाफ आप उसके अंदर जाना चाहिए। पिछले एक साल से जब आप इसको कर रहे थे तो इससे आपके सामने कोई भ्रष्टाचारी मतलब खुला, जैसे कि आपने भ्रष्टाचारी का नाम लिया तो और भी ऐसे कुछ लोग सामने आए नहीं? सामने इसके लिए नहीं आए क्योंकि ये सामने अभी गया नहीं जी, ये अभी आपके माध्यम से सबके सामने जाएगा क्योंकि इतनी डिटेल अपन कैसे किसको दे सकते हैं, बराबर ना? पहले अपन तकरार करेंगे, अभी ईडी को तकरार की है, वो लगेंगे पीछे इनके। अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे पार्टी की तरफ से।